हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल KNM एजुकेटर क्लासेस। आज बच्चों हम बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 15 चल रहा है हमारा लाइट, कल हमने स्टार्ट किया था, तो उसका जो सेकंड पार्ट है हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो लाइट की डेफिनेशन थी, वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, ठीक है, उसकी जो है हम प्रॉपर्टीज़ भी जो है डिस्कस कर चुके हैं कल वाली वीडियो में। जिन भी बच्चों ने वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। और आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो आज हम रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है। तो रियल इमेज का मींस क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल इमेज। रियल इमेज को हम बोलते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं हम इसको? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो हम रियल इमेज को पढ़ते हैं, क्या है? अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अब यहाँ पर हम बात करें अगर वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल का मतलब क्या है होता है? वर्चुअल का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब, जबकि रियल का क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब, और ये है आपका आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, ये है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो रियल इमेज में पढ़ा था हमने, अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जबकि वर्चुअल इमेज में क्या है? अ वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या था? मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर है अपीयर, ठीक है। सेकेंड है, इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। सबसे बड़ी डिफरेंस है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो रियल इमेज है, उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, इट इज़ इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जबकि वर्चुअल इमेज जो है इट इज़ इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो है ये रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने आपको बताया। उसके बाद में यहाँ पर दो पॉइंट निकल कर आते हैं, एक है आपका रिफ्लेक्शन एंड दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन का मतलब क्या है? कि प्रकाश का टकराकर वापस जाना, वो आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उससे जो है लाइट जो है वो टकराई, यानी कि प्रकाश का जो टकराकर वापस जो है उसी मीडियम में जाना, जिस मीडियम से वह आई थी उसी मीडियम में उसको जाना, तो वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब जैसे मैं एक आपको डायग्राम बताऊं कि इस तरीके से यहाँ से एक लाइट रेज आई, ठीक है, और वो यहाँ इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर जो है टच हुई और यहाँ से टकरा कर वापस उसी मीडियम में गई, ठीक है। ये आपका मीडियम क्या था? एयर था। ये आपका मीडियम क्या था? एयर था। तो ये यहाँ से आई और उस टकराकर वापस उसी जो मीडियम है वहीं पर जो है दोबारा उसको वापस जाना, वो आपका क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन कहलाता है। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का टकराकर वापस उसी माध्यम में जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन जो है वो कहलाता है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि परावर्तन जो रिफ्लेक्शन है उसकी जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है? मिरर में होती है। किस में होती है? वो मिरर यानी कि दर्पण में होती है।
परावर्तन किस में होता है, रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर में जो है होता है। और इसका एक और पॉइंट और निकल कर आया है, इसका एक पॉइंट और हम बात करें तो ये एक ही मीडियम में होता है। ये हमेशा याद रखना है कि इसके लिए जो मीडियम की ज़रूरत होती है वो सिर्फ एक ही मीडियम की ज़रूरत होगी। अगर एयर है तो एयर में ही होगा, वाटर है तो वाटर में होगी, ठीक है। एयर से एयर में ही जो है ये रिफ्लेक्शन जो है होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन की। अब हम बात किसकी करेंगे, रिफ्रैक्शन की। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मींस है अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। अभी इससे पहले हमने बात की थी परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अब ये अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन का मींस होता है कि जब कोई लाइट यानी कि जब कोई प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे कि लाइट की रेज जो है एयर से वाटर में गई, किस में, एयर से कहाँ गई, वाटर में, जबकि रिफ्लेक्शन में कहाँ कहाँ जा रही थी, रिफ्लेक्शन में एयर टू एयर, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एयर टू वाटर। जब एयर टू वाटर में जाएंगी तो वो कुछ जो है वो मुड़ जाएंगी, किस तरीके से, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो है दो मीडियम है, दो मीडियम लिए हमने, पहला है हमारा एयर एंड नीचे है हमारा वाटर, ठीक है, ये दो मीडियम थे। अब यहाँ से जो है एक प्रकाश की किरण आती है और वो जो है, यहाँ तो एयर मीडियम है, यहाँ नीचे क्या है, वाटर, तो वो यहाँ से यूं नहीं जाएगी, वो परावर्तित नहीं होगी, वो क्या होगी, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी। किस तरीके से, यहाँ एक मीडियम लिया, यहाँ पर है एयर और नीचे है हमारा वाटर, ठीक है, दो मीडियम है यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन की यानी कि अपवर्तन की। तो जब हम प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से मुड़ना या इस तरीके से मुड़ना वो होगा आपका रिफ्रैक्शन, यानी कि ये वापस लौट कर नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी, नीचे मुड़ जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से एक पॉइंट और निकल कर आता है कि इसके लिए दो मीडियम की ज़रूरत है, जबकि रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन में क्या था, सिर्फ एक मीडियम की ज़रूरत थी, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है दो मीडियम की ज़रूरत होगी, दो माध्यम चाहिए, कितने माध्यम चाहिए, दो मीडियम चाहिए, एक एयर एक वाटर, कुछ भी ले सकते हैं हम, दो मीडियम। और जो रिफ्लेक्शन था, परावर्तन जो था वो मिरर में होता था, जबकि जो अपवर्तन है यानी कि रिफ्रैक्शन है वो आपका लेंस में होगा, किस में होगा, वो आपका लेंस में होगा। तो ये यहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, तो इसको आप जो है अच्छे से नोट कर लेना कॉपी पर अपनी लैंग्वेज में कि रिफ्लेक्शन क्या है यानी कि परावर्तन क्या है। परावर्तन प्रकाश का जो है एक मार्ग, एक मीडियम में जब प्रकाश आता है तो उसी मीडियम में वापस जो टकरा कर जो है वापस जाना, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और दूसरा है अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब है जब प्रकाश एक माध्यम से से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से दो जो है डेफिनेशन निकल कर आती हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो पॉइंट्स के बारे में बात की, यहाँ पर ये हमने देखा था रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू जो है आप समझिए, ये क्या है आपका, ये है आपकी रियल इमेज, ये बीच में है होलोग्राम, यहाँ पर है आपका वर्चुअल इमेज यानी कि ये है आपका आभासी प्रतिबिंब, और ये है आपका रियल यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या है, ये है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब आएगा आपके सिलेबस में जो आपके थ्योरी है उस चैप्टर में, उसमें है मिरर, कि व्हाट इज़ मिरर, मिरर होता क्या है, उसके बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो आगे आने वाली जो क्लासेस हैं, 8th है, 9th है, 10th है, इसमें भी जो है मिरर के बारे में जो है पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं,
बड़े लेवल बड़े यानी कि 9th 10th में, ये आप जो है 7th क्लास में है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको ये समझना है कि मिरर होता क्या है। मिरर को हम बोलते हैं बच्चों दर्पण। मिरर का मतलब क्या है? दर्पण, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण। तो दर्पण होता क्या है? जो दर्पण होता है वो आपका टू टाइप होता है। जो मिरर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। मिरर जो कितने तरीके के होते हैं मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर है मिरर, ठीक है। मिरर टू टाइप्स होंगे। अब मिरर, अब जो टाइप्स हैं वो क्या है मिरर के? पहला जो आपका होगा मिरर वो है आपका समतल दर्पण, बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं हम? समतल दर्पण। समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, जिसमें हम अपना जो है फेस देखते हैं वो आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है। सेकंड जो है आपका जो मिरर में सेकंड है वो है आपका स्फेरिकल मिरर। ये आपका फर्स्ट था प्लेन मिरर, सेकंड में है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर यानी कि इसको बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। ये था हमारा समतल दर्पण, ये था हमारा समतल दर्पण, और ये है हमारा गोलीय दर्पण। ये है हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर दोबारा अगर लिख दूँ, यहाँ पर समतल दर्पण, दर्पण जो है वो दो तरीके के हैं। जो मिरर, एक है समतल, समतल दर्पण, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की दो दर्पण के बारे में, दो मिरर के बारे में, यानी कि प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की। जो स्फेरिकल मिरर है यानी कि जो गोलीय दर्पण है वो आपका टू टाइप होता है, यानी कि वो भी आपके दो तरीके से होता है। तो पहला होता है आपका उत्तल दर्पण, आपने सुना होगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर फर्स्ट, एंड सेकंड है आपका कॉनकेव मिरर। ये आप जो है साथ में नोट करते चलिए, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो जो मिरर था, मिरर थे वो टू टाइप्स थे। पहला था आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, और सेकंड था आपका स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। अब जो स्फेरिकल मिरर था, जो सेकंड था स्फेरिकल मिरर, उसके भी दो पार्ट हैं। पहला है आपका कॉन्वेक्स एंड दूसरा है आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण, एंड कॉनकेव को बोलते हैं हम अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण, यहाँ इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कॉन्वेक्स है यानी कि जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, उसमें उसका क्या होता है कि उसमें जो है, इसमें जो हमेशा छोटी व सीधी इमेज बनती है, छोटी इमेज बनेगी हमेशा, छोटी इमेज बनेगी और सीधी इमेज बनेगी। कैसी बनती है? सीधी इमेज बनती है कॉन्वेक्स में यानी कि उत्तल दर्पण में, ठीक है। जो अवतल दर्पण है उसमें कैसी बनती है इमेज? उसमें जो है बड़ी इमेज बनती है और सीधी इमेज बनती है। अवतल में आपको याद रखना है कि बड़ी बनती है, उत्तल में आपको याद रखना है कि वह छोटी बनती है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बनती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक पॉइंट की कि जो उत्तल दर्पण होता है यानी कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, इसमें जो इसका जो डायग्राम होता है वो इस साइड इस तरीके से होता है। कॉनकेव का मैं इस तरीके से आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो इस वाले जो पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, उसमें जो है कलई होती है, चांदी की कलई होती है ये अंदर वाले पार्ट पर, ठीक है। जो बाहर का उभरा हुआ पार्ट है वो जो है आपका एकदम चमकीली सतह होती है। आपने देखा होगा जो स्पून होता है, जो स्पून होता है डेली यूज में, जो आप स्पून को यूज़ करते हैं, तो वो जो स्पून है उसका जो बाहर का जो पार्ट है, उभरा हुआ जो पार्ट होता है चम्मच का उभरा हुआ पार्ट, वो तो है, वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो गहरा वाला पार्ट होता है, जिसमें आप जो है कुछ भी कर जो है खाते हैं स्पून में, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या है? उत्तल दर्पण।
तो उसमें अगर हम उभरे हुए पार्ट में अपने फेस को देखेंगे, उभरे हुए पार्ट में आप देखना फेस को देखेंगे, तो आपको जो है अपनी एक छोटी व सीधी इमेज दिखाई देगी। जबकि आप जो है जब स्पून के अंदर वाले पार्ट में आप अपने फेस को देखेंगे तो उसमें जो है बड़ी इमेज जो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम था मैं इस तरीके से आपको बता रही थी कि जो उभरी हुई साइड है वो तो आपका उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स है, और अंदर वाले पार्ट पर जो है चांदी की कलाई जो है वो हो रही होती है अंदर वाले पार्ट पर, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो चमकीला होता है, जबकि कॉनकेव जो है, कॉनकेव जो है इसका अपोजिट होता है। इसमें जो बाहर वाले पार्ट एरियाज जो है उस पर जो है चांदी की कलई हो रही होती है, एंड जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये चमकीला होता है, यानी कि इसके अपोजिट जो है कॉन्वेक्स के अपोजिट जो है कॉनकेव होता है। एक पॉइंट और यहाँ से निकल कर आता है कि जो कॉन्वेक्स होता है वो डाइवर्जेंट मिरर है, जबकि कॉनकेव जो है वो क्या है, वो है आपका कन्वर्जेंट मिरर, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है सारे जो एक पॉइंट्स पर सभी जो रेज़ को जो है एक पॉइंट्स पर इकट्ठा करता है, ठीक है, वो है आपका कन्वर्जेंट। जबकि ये जो है सारी रेज को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये है आपका डाइवर्जेंट मिरर। तो इस तरीके से ये था आपका कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये चैप्टर बच्चों इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लाइट वाला चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़िए। जो फर्स्ट वाली वीडियोस में हमने लाइट्स की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी उस वीडियोस को देखिए। आज जो हमने बात की है वो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में बात की है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद जो है हमने बात की थी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, यानी कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एंड प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो क्लियर हुआ। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर डायग्राम देखा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। उसके बाद जो हमने बात की मिरर के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में, कि जो दर्पण है वो कितने तरीके के होते हैं, वो टू टाइप्स होते हैं, समतल दर्पण एंड दूसरा है गोलीय दर्पण या फिर प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो था उसके भी टू पार्ट्स थे, दो पार्ट्स थे उसके भी, उसमें क्या था, उसमें था आपका कॉन्वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण एंड कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। इसके बारे में आज हमने बात की। इससे आगे वाले जो वीडियोस में जो है हम बात करेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होते हैं। यहाँ तो दर्पण के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे लेंस के बारे में। तो बच्चों जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ साथ में आप रिविज़न करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, आपके नोट्स कम्प्लीट होंगे तो आप अच्छे से उसको रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।